अमृतपाल सिंह, भूले नहीं आप, अमृतपाल सिंह जो कभी नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात करता था। जेल में बंद अमृतपाल सिंह के सगे भाई हरप्रीत सिंह को ड्रग्स के मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके दो साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। अमृतपाल सिंह के परिवार वालों के मुताबिक ये उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है, हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस ने हरप्रीत सिंह को आइस ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक हरप्रीत सिंह के पास से करीब 5 ग्राम आइस बरामद हुई है। आम भाषा आइस कह देने और रिकवर हुई, वेग किया गया 4 ग्राम आइस मिली, नाल एक वेइंग स्केल भी मिला। हरप्रीत सिंह के साथ उसके दो साथियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने फिल्लौर हाईवे से दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों काले शीशे वाली सफेद क्रेटा कार में बैठकर ड्रग्स लेने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों के पास लाइटर और पन्नी भी थे। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ 22-27 NDPS ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ 29 NDPS ਦਾ ਕਰਤਾ, 29 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਈਟਾਨਗਰ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ। आपको याद दिला दें कि अमृतपाल सिंह पर NSA के तहत केस दर्ज है और वो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, जबकि अपने दूसरे बेटे हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह के पिता और मौसी इसे साजिश बता रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरीके ना बदनाम करके यह हालात पैदा करके कि एक तो वह बाहर ना सकन, तो दूजा ये जो जो उन्होंने मिशन है उन्होंने किस तरीके फेल किया जा सके, तो यह जो चीज़ा कि नशे के विरुद्ध काम करने वालों के उपर ही नशे के केस पाओ, ये तो बहुत मेरे ख्याल घिनौनी हरकत है इन्होंने। खास बात यह भी है कि अमृतपाल पंजाब में नशा विरोधी अभियान चलाकर चर्चा में आया था, लेकिन हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अमृतसर से परमवीर ओलक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज।